सकते हैं भाई लोग, हमने रेडबुल भी ले लिया। ट्रेन तो यार एकदम पूरा लेट हो गया यार। लोग देखो आप लोग स्टेशन का नजारा देख लो। सो फाइनली गाइस आई एम बैक विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी जैसा कि गाइस देखते होंगे कि मैं रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ, तो यार हम लोग जा रहे हैं फैमिली ब्लॉग पे, और इसीलिए मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि यार ट्रेन से ही जाएंगे, आप दूर जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, यार तो ट्रेन से ही जाएंगे। और अभी मेरी फैमिली लोग भी आई है, फैमिली लोग को भी दिखलाऊंगा ब्लॉग, आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ठीक है गाइस, और अभी हम लोग स्टेशन आए थे टाइम पे, लेकिन यार अपनी ट्रेन ही लेट हो गई यार एक घंटा, इसीलिए मूड ऑफ हो गया। तो चलो यार देखते हैं अभी स्टेशन में और रेलवे स्टेशन में जाकर थोड़ा इन्जॉय करते हैं, नहीं करते हैं अभी तो, लेकिन प्यास लग रहा है, पहले देखते हैं कुछ मिलता है कि यहाँ नहीं पीने का, तो वो लाने जाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं भाई लोग, हमने रेडबुल भी ले लिया और भाई पी रहे हैं भाई, क्योंकि भाई गर्मी लग रहा था थोड़ा, इसीलिए थोड़ा सोचा थोड़ा चिल मार लें। यार भाई आप देख रहे हो टाइम, देख रहे हो भाई पूरा शाम हो गया है, लेकिन आप खैर आधे घंटे में अपनी ट्रेन आ जाएगी, तो फिर डायरेक्ट फिर ट्रेन पे ही बैठ के यार ब्लॉग शूट करवाऊंगा, क्योंकि ट्रेन के आने तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार बस दो ही मिनट यार ट्रेन रुकेगी इसी वजह से। अब यहाँ बैठे बैठे यार सब बोर हो रहे हैं, जितना फैमिली में है देख सकते हैं आप लोग, तो सब बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। ये लोग देखो आप लोग स्टेशन का नज़ारा देख लो, कितना भीड़ है अपने भागलपुर स्टेशन में देखो, देख सकते हैं आप लोग। भाई दिवाली भी आने वाला, तो भाई उसका भी पूरे भागलपुर में यार डेकोरेशन हो गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्टेशन पर से। इधर देखा सब, इधर देखिए मुंह कैमरे में। तो फाइनली गाइस दो घंटे इंतजार करने के बाद अब अपनी ट्रेन आ रही है, जिसपे हम लोग बैठ के जाएंगे मालदा टाउन। तो बैठो अब देखते हैं क्या होता है। लोग ट्रेन पे भी बैठ गए भाई, थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन फिर भी बैठ गए हैं। अब भीड़ इतना रहेगा भाई तो थोड़ा मुश्किल होगा ही, आप जैसा ट्रेन का भी व्यू देख सकते हो कैसा सीट है भाई हम लोग का। भाई ट्रेन खुल चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि दिवाली भी आ रही है, तो उसके लिए भी सब भी अपने 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 घर में भाई लाइटिंग लगा चुके हैं, कितना अच्छा लग रहा है यार देखने में, है ना भाई। एक घंटा हो चुका है यार, भाई मेरे को तो यार ठंडा लग रहा है भाई, इसीलिए अपना शॉल भाई लाया था, वही भाई ओढ़ लिया, कम से कम थोड़ा तो राहत मिले ठंडे से। तो गाइस मालदा टाउन आ चुका है, तीन चार घंटे का सफ़र करने के बाद। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हो अभी यहाँ पे देखो न्यू ट्रेन लगी हुआ है भाई, देखो न्यू ही लग रहा है देखने में। तो यार फाइनली से छोड़ो ये सब, अपना उतरते हैं भाई पेन, ठीक है ना। तो गाइस अपना पहला कदम रखते हुए हम मालदा टाउन की तरफ और जाएंगे अभी होटल अपने टोटो से। टोटो वाला को भाई पहले ही फ़ोन कर दिया था होटल वाली ने, उसको बोल के रखा था कि तुम चले आना इन लोगों को लाने के लिए। ये देखो भाई मालदा टाउन का स्टेशन भाई कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, पूरे में लाइटिंग लगा दिया है, मतलब दिवाली की वजह से तो एक नंबर लग रहा है भाई देखने में। और गाइस आ चुके हैं यहाँ, टोटो पर बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं होटल, अभी यहाँ का आपको डेकोरेशन देख लाते हैं दिवाली में कितना अच्छा डेकोरेशन बना के रखा है भाई यहाँ में। और जो है टोटो पे बैठ चुके हैं भाई, अपना यहाँ से होटल यार 20 किलोमीटर दूर है भाई, हमको लग रहा 15 किलोमीटर, तो सिर्फ ये वाला हाईवे हम लोग को चलना है भाई, बहुत ठंडा लग रहा है यार लेकिन। तो खैर चलो एंजॉय करते हैं भाई रास्ते को, अभी तो घूमने फिरने निकले हैं, दूर दर्द क्या सुना है यार, ठीक है ना। ठीक है गाइज हम लोग आ चुके हैं होटल, अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। अब क्या ब्लॉग बनाएंगे, अब ब्लॉग बनाएंगे तो अगला ब्लॉग में आपको दिखा देंगे जिस दरगाह की हम लोग ज़ियारत करने के लिए आए हैं। ठीक है गाइज अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।